बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन बहुत अच्छी होंगी। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कानपुर का बहुत ही ज़्यादा फेमस बाबा रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी। जितनी भी जगहों पर मैंने अब तक जितने भी अलग अलग जगहों के मैंने अब तक बटर चिकन ट्राई किए हैं, उनमें ये सबसे बेस्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है, यकीन मानिए बहुत अच्छा होता है ये। तो चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 700 ग्राम्स के करीब चिकन लिया हुआ है। हमें पहले इसे मैरिनेट करना है, तो मैरिनेशन के लिए हमें सबसे पहले तो दही चाहिए होगा, ये 200 ग्राम्स के करीब है, ये हम इसमें डाल लेंगे। इसमें 150 ग्राम्स के करीब गया है और थोड़ा बच गया है, बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना है। तो अब हम डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो जो रेगुलर मिर्च आप घर में यूज़ करते हैं, लाल मिर्च पाउडर, वो डाल सकते हैं। क्वांटिटी उसकी थोड़ी कम रखी क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ही लाइट तीखी होती है। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा रेड फूड कलर 2 पिंच के करीब, ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना डालें, डालने से इसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हमें इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक तो रखना ही है मैरिनेशन के लिए रेफ्रिजरेटर में ढक करके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे ओवरनाइट रखें तो और बेहतर है, जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतना अच्छा चिकन आपका बन करके रेडी होगा। तो चलिए अब हम इसे ढक करके रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम इसकी ग्रेवी की कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये लिए हुए हैं 6 अदद टमाटर, इसे ग्राम्स में मेजर करें तो ये 300 ग्राम्स के करीब है। इसमें इस तरीके से कट लगाना है, देखिए बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाना है, हल्का सा कट लगाना है ताकि ये जब हम इसे बॉयल करें तो ये फटे ना। और ये मैंने काजू लिए हुए हैं, ये 50 ग्राम्स हैं। और ये 2 बड़े साइज़ की प्याज है, इसे मैंने ऐसी रफली चॉप कर लिया है। तो अब हम इस तरीके से किसी बड़े बर्तन में पानी लेंगे और इन तीनों चीज़ों को डाल के उसमें हमें बॉईल करना है इनके टेंडर होने तक। तो चलिए सारी चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। पानी आप इन्हें बॉईल करने के लिए इतना लें कि ये सारी चीज़ें अच्छे से उसमें डूब जाएं। तो चलिए अब इसे हम बॉईल कर लेते हैं। हमने इसे हाई फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो अब हम इसके टेंडर हो जाने तक का वेट करेंगे। में हाई फ्लेम पे एक बॉईल आ चुका है, अब हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये टेंडर नहीं हो जाती है सारी चीज़ें। इसकी ग्रेवी के लिए अभी हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी, ये है टोमेटो केचप चाहिए, ये हमें 3 टीस्पून लेना है। और अब फ्रेश क्रीम चाहिए अमूल की, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते। ये कुछ पाउडर्ड मसाले हैं, ये गर्म मसाला पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून है कसूरी मेथी है, 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, अगर आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हैं तो क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखें। और 1 टीस्पून सॉल्ट है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। इसे बॉईल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये टेंडर हो चुका है अच्छे से, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसका जो पानी है उसे ड्रेन कर लेते हैं। पानी हमने ड्रेन कर लिया है, तो अब हमें इसे ठंडा कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद हमें इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। इनको मैरिनेट होते हुए 1 घंटा तकरीबन हो चुका है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसको ओवर क्राउडेड ना करते हुए बैजेस में फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई होते हुए इसे 3 से 4 मिनट हो गए, तो अब हम इसके साइड चेंज कर लेते हैं। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, अब हम बाकी का चिकन भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई होकर रेडी है, तो अब हमें इसे स्मोकी फ्लेवर देना है। इसके लिए मैंने चारकोल का एक पीस अच्छे से गरम कर लिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे उसे, ये देखें इस तरीके से इसे, और बीच में दबा देंगे ऐसे ही और इसे ढक देंगे। तब तक हमें इसे ढकना है जब तक हम इसके स्मोक सही से अच्छे से भर नहीं जाती है इसमें, और इसके ऊपर हम कोई चीज़ रख देंगे हैवी जिससे स्मोक बाहर ना आए। ये मैंने सेम पैन में ऑयल हटा के इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल रहने दिया है, अब हम इसी में अपनी ग्रेवी भी रेडी कर लेते हैं। तो ऑयल तो अच्छे से गर्म है ही, अब हमें वो पेस्ट डालना है जो कि हमने बनाया था,
ये पेस्ट हमने ये टमाटर और प्याज काजू का जो पेस्ट बनाया था वो हमें इसमें डाल लेना है। आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना होगा क्योंकि ग्राइंड करने की वजह से इसमें काफ़ी एयर बबल्स बन जाते हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी छिटकता है, बहुत उछलता है भुनने में, तो इसलिए आप इसकी फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो ही रखें और बहुत ही केयरफुली इसे भूनें। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 2 टीस्पून और नमक मिर्च भी डाल देंगे। अब हमें इसे लगातार बीच बीच में स्टर करते हुए तब तक कि भून लेना है जब तक ये मसाला दानेदार ना हो जाए। इसके साथ ही जो हमारा मैरिनेशन का मसाला बचा हुआ था चिकन का वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए मसाला हमारा भून करके रेडी है बिल्कुल, हमें ऐसे ही दानेदार मसाला चाहिए था। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टोमेटो केचप हम डाल लेते हैं यहाँ पर, इसे भी मिक्स कर लें। आप सोच रहे होंगे कि बटर, अभी बटर चिकन है और इसमें बटर यूज़ ही नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बटर चिकन जो रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन होता है, जो रेस्टोरेंट में बनता है, उसमें बटर सिर्फ सर्विंग के वक्त ही यूज़ करते हैं वो। बाकी वो जो कुकिंग करते हैं बटर चिकन की, वो पूरी वो ऑयल में ही करते हैं, तो इसमें बटर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर डालना है, आपको टेस्ट को और इन्हांस करना है, तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देते हैं, इसकी क्वांटिटी आप अच्छे से लें, उसमें कोई कमी ना करें, वरना इसका जो टेक्सचर है वो उतना क्रीमी और उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि रेस्टोरेंट का होता है। तो इसकी ग्रेवी अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे। फ्लेम को हाई करते हैं यहाँ पर। अब हम चिकन के पीसेस को इसमें डाल देते हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है ताकि अच्छे से चिकन भी टेंडर हो जाए और ये मसालों में अच्छी तरह से रच जाए। पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया है, तो हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और हम इसे फिर से स्मोकी फ्लेवर देने के लिए चारकोल का पीस हमने गरम कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें इस तरीके से डाल देंगे और फौरन से इसे कवर कर देंगे लिड से। इसे 5 मिनट तक ऐसे ही कवर रहने देंगे और उसके बाद फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल बाबा स्टाइल बटर चिकन बन करके तैयार है। आप इसे ट्राई करें और अपने मेहमानों को सर्व करें, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि आपने ये खुद बनाया है या ऑर्डर किया है। तो इसे ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा सबको। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो अपडेट्स आपको मिल सकें। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।